है भाई मनजीत सिंह जी और साढ़े अति सत्कार योग डॉक्टर गुरमीत सिंह जी ऑनरेरी सैकटरी सरदार भाई साहब भाई सरबजीत सिंह जी ढोटियां मुख प्रचारक सरदार जसपाल सिंह जी मैनेजर साहब और सरदार गुरिंदर सिंह जी मथरेवाल मुख मैनेजर साहब इन्हां सारियां ही शख्सियतों का महापुरशों वालों बहुत बहुत धन्यवाद दास बेनती करेगा कि दमदमी टकसाल वालों बहुत ही महान सेवावां करवाइयां जा रही हैं जिथे गुरमत का प्रचार प्रसार उथे नाल नाल दुनियावी पढ़ाई और समाजिक सेवावां नूं भी महापुरश पहल दे रहे ने जिवें कि दमदमी टकसाल वालों 3 अकैडमियां चल रही हैं CBSE स्कूल चल रहे ने इस तरह एक खालसा हॉस्पिटल चल रहा है और खालसा कॉलेज के नाल नाल खालसा नर्सिंग कॉलेज भी चल रहा है और नाल नाल महापुरशों वालों एक उपराला किया गया है प्रोफेसनल कॉलेज ऑफ गुरमत का जिदे जिथे गुरमत की विद्या ते दिती जांदी है कथा कीर्तन की जो आप प्रचारकों नूं दिंदे आ पर नाल नाल दुनियावी पढ़ाई भी कंपलसरी उस विद्यालय दे विच रखी गई है कि जिहड़े विद्यार्थी 10वीं जां 12वीं पास होण उन्हां नूं MA तक पढ़ाया जांदा है अगे उन्हां दी योग्यता जिन्ना भी कोई पढ़ना चाहे और नाल नाल कथा कीर्तन दी जिहड़ी गुरमत दी विद्या दी प्रणाली है वह भी सेवा जिहड़ी है वह दित्ती जा रही है होर भी बेअंत सेवावां दमदमी टकसाल वालों करवाइया जा रही ने और ये जिहड़ा पाठ बोध समागम है आप जी सिंह साहब जी आए ने हुणे हुणे तुसी हैरान होवोगे कि इत्थे जिन्नियां संगतां ने विद्या प्राप्त कीती है वो तो कीती है पर 1 लाख तो वध इस पाठ बोध नूं ऑनलाइन संगतां ने श्रवण किया है। सो ये टेक्नोलॉजी का युग है अज हर बंदा चाहता है कि जो भी होवे मेरे हाथ च ही होवे इस करके ऑनलाइन पाठ बोध संगतां ने श्रवण किया दमदमी टकसाल के यूट्यूब चैनल उत्ते हुणे हुणे पहुँचे ने सिंह साहब ज्ञानी गुरमिंदर सिंह जी आए ने बहुत बहुत जी आयां नूं महापुरशां वल्लों हुण दास बेनती करेगा साडे अति सत्कारयोग सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी के मुख ग्रंथी सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी जिन्हां उत्ते सतगुरु जी की बड़ी कृपा है रहमत है बड़े लंबे समय तो संगत विच सुशोभित ने और श्रीमान संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा पिंडरांवालिया के परिवार के विचों ने सो जिथे दमदमी टकसाल के विद्यार्थी भी ने उत्थे बड़ी वड्डी सेवा भाई साहब भाई मनी सिंह जी जिस स्थान पर बैठ के कराते रहे धन बाबा बुढ़ा साहब जी जिस स्थान पर सुशोभित हो के धन गुरु ग्रंथ साहब की सेवा करते रहे अज उस स्थान पर सेवा निभा रहे ने आओ बड़े प्रेम के नाल सन्मान करिए सिंह साहब जी का बोले सो निहार परम सन्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हाजूरी विखे अनोखे अमर शहीद बाबा दीप सिंह साहब जी के पावन अस्थान ते जुड़ बैठे सामूह महापुरख सिंह साहिबान अते गुरु कीआं साजियां निवाजियां साध संगत जी प्यार सहित फतेह दी सांझ करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु कलगीधर पातशाह जी ने रहमत कीते संगत जी 10 मार्च तो अज तक दमदमी टकसाल के मुखी
संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा पिंडरा वाले महापुरखा वालों शुद्ध पाठ बोध समागम आरंभ किया गया से जिस दी अज संपूर्णता हुई है और जिन्हां प्राणियों ने भाग लिया वो बहुते वड्डे भागा वाले हैं क्योंकि शुद्ध पाठ बोध समागम विच्चों संत्या करन वाले विद्यार्थियों नूं बहुत कुछ प्राप्त होया है। साढ़े श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के कुछ मुलाजम भी इस संत्या दे विच भाग लेंदे रहे। वो दर्शा रहे सी कि जो सानू 10 मार्च तो लैके अज तक प्राप्त होया है असी पहला कदे सुनिया भी नहीं सी। संगत जी जिवें सरदार अजैब सिंह जी अभ्यासे सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी सरदार भगवंत सिंह जी सियालका सरदार अजिंदर सिंह जी मेहता दर्शा के गए ने कि अज दे कुछ लोग जेड़े तर्क करते ने क्योंकि जिवें भाई गुरदास जी ने जिक्र किया ना आपना वन्ने सहुरे लोका मत्ती दे समझाए जिवें आप बीबी सहुरे घर नहीं गई पर होर बच्चियां नूं ओ सहुरियां दी सिख्या दिंदी है जिन्हां लोकां ने आप संथ्या नहीं कीती मेहनत नहीं कीती संगत जी ओ अगे होर लोकां नूं सिख्या दिंदे जिवें विद्वान कई बार कथन करते ने भी एक हंस मान सरोवर तो उड्डिया ते ओ एक खूह दी मण दे उत्ते आके बैठ गया। डड्डू ने खूह दे विच्चों आवाज दित्ती कहन लगा आ भाई कित्थों आया है ते हंस ने आवाज दित्ती कहन लगा मैं मान सरोवर तो आया हाँ। डड्डू कहन लगा मान सरोवर किड्डा कै कहन लगा मान सरोवर ते बहुत वड्डा है। डड्डू ने एक कंडे तो छाल मारी थोड़ा जिहा अगे चले गया कहिंदा एड्डा होवेगा तुहाडा मान सरोवर। हंस कहन लगा नहीं इस तो भी वड्डा है। उन्हें एक चाल होर मारी खूह दे विचकार चले गया कहिंदा एड्डा होवेगा। हंस कहन लगा नहीं मान सरोवर इस तो भी वड्डा है। उन्हें तीजी चाल मारी ते संगत जी ओ खूह दी दूजी मण दे पासे चले गया कहन लगा एड्डा कु वड्डा होवेगा। हंस ने कहा नहीं बहुत वड्डा है। डड्डू कहन लगा नहीं एवें गप्पा मारी जाना है तेनू मान सरोवर के बारे पता ही नहीं होना। कहन लगा मैं मान सरोवर ते रहिंदा हाँ मैनू नहीं पता तो तेनू किवें पता हो सकता जिहड़ा तू खूह दे विच रहिंदा। संगत जी अज कुछ ऐसे विद्वान जिहड़े डड्डू दे वांग खूह विच रहण वाले खूह दे विच्चों बाहर नहीं निकले वो मान सरोवर के बारे जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। दमदमी टकसाल ने 10 मार्च तो लैके और इस तो पहला भी जिवें मेहता जी कह के गए ने कि चेवा ये पाठ बोध समागम होया है बेअंत ही गुरमुखा माइया भाइया ने ये हिस्से लए ने। संगत जी जिवें सलोकां दे विच ही अज आपां नूं बहुत कुछ प्राप्त होया है जिवें सतगुरु जी ने कुछ श्लोक माता नानकी जी दे प्रताए उचारण किए माता गुजर कौर जी दे प्रथाए उचारण किए साहिबे कमाल सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी नूं दोहरा लेके भेजिया बल छुटके बंधन परे कछु ना हो तो पाए। इन्हां दी बड़ी विस्थार दे विच ज्ञानी परविंदर पाल सिंह जी बुटर संत बाबा सुरजीत सिंह जी महरों वाले ज्ञानी तरलोचन सिंह जी ज्ञानी गुरलाल सिंह जी
इन्हां सारे वीरां ने आप जी नूं खुल के समझाया है। और कई जड़े पुरातन स्वरूप ने संगत जी, अज लोड़ है पुरातन स्वरूपां दी दर्शन करने ते उन्हां दी सांभ संभाल करनी। दमदमी टकसाल दो वड्डे कार्ज करती है, दो वड्डे कार्ज, एक तां गुरबाणी दी राखी करती है और दूजा दमदमी टकसाल गुरधामां दी राखी करती है। ये दो कार्ज दमदमी टकसाल दे हिस्से बहुत वड्डे आए ने। दमदमी टकसाल गुरु की बाणी दे विच रलेवां नहीं पैण दिंदी। लोग जतन तां बहुत करदे ने भी इहदे विच रलेवां कीता जावे, गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी नूं खत्म कीता जावे, कच्चियां कवितावां घड़ियां जाण, पर दमदमी टकसाल तत्पर है, जागदी है। ये गुरबाणी दी संगत जी इस पक्ष तों राखी भी करदी है। और जिहड़े पुरातन पाठ ने सीने बसीने चले आ रहे ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹੱਲਾ ਦਸਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਡੱਡੂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ? ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੋਲੀ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਗ ਭੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਤਾਰਿਆ, ਔਖੇ ਔਖੇ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਤਾਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਏ ਅਤੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਠ ਵੀ ਮਿਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੰਠ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬੁੱਧੀ ਖੰਭ ਸਾੜ ਢੱਠੀ, ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਮਾਰਦਾ ਉਡਾਰੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਆ ਨਾ, 9 ਹਿੱਸੇ, ਮਤਲਬ 90% ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ
90% जां 9 हिस्से दिमाग जां मन जोर मारेगा ये जानकारी एक हिस्सा उहदे अगे टिकना नहीं। एवें नहीं महाराज ने आख्या कि मन वसावे नानका जे पूर्ण कृपा होए, एक हिस्सा जानकारी लै भी ली तो की हो गया, 9 हिस्से तो उहदे हाथ च है। जिदण वह कृपा करेगा उदण वह खेड जिहड़ी है वह बन जाती है। सो दास बहुता समा ना लैंदिआं होइआ कृपा